मुजफ्फरपुर गोरैया से आ रहे हैं। यहाँ का पता कैसे मिला आपको? वो हमारे बाजी ये दोगलावा ना मोबाइल पर देखे थे। चुप रहो, जो बताएं आपको जी। तो आप वीडियो देख रही थी पहले, आ चुकी हैं आप यहाँ पे, तो आपको फायदा हुआ तभी आप बताइए इनको। 100 में से 95 ठीक होते हैं, 5 ठीक नहीं होते, जिसके लिए बाबा जी किसी को गारंटी नहीं देते। जड़ी बूटी खा के आई है, दोबारा पूरा ट्रीटमेंट हो गया, पूरा ट्रीटमेंट हो गया था आपका, जड़ी बूटी खा के दोबारा आई थी यहाँ पे, तो ये पूरा ट्रीटमेंट थोड़ी हुआ यहाँ पे। ये गलती कोई ना करे, जब यहाँ का पूरा ट्रीटमेंट जो बना हुआ है, पहले ऊपर के खत्म होते जड़ी बूटी मिलती, जड़ी बूटी खा के फिर अंदर के मरवाना बहुत जरूरी रहता है। तो इससे पहले कभी हाजिर हुआ है? नहीं, पहली बार हाजिर हुआ है। पहले यहाँ हुआ तो घर पे हाजिर होते थे। आप कितनी जगह दिखाए आप? कहा एक दो जगह दिखाए, वहाँ पूछिए। मन गुप्त ने बहुत जगह दिखाया है हमको, बहुत जगह से तकलीफ दिया है। पट्टी खोलिए, हम नहीं खोलेंगे। कैसे मर गए थे तुम? हम मरा नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या है बताएंगे? कौन लगती है तुम्हारी ये बहू? क्या दुश्मनी है तुम्हारी इससे? दुश्मनी इससे नहीं है। तब किससे दुश्मनी है? हमारा बेटवा से है। कौन बेटा? रजुआ दोगला से। ये आपकी माँ बोल रही है। आपके लड़के कितने हैं? दो। कौन कौन, नाम क्या है? उसका था नाम, उसका ननवर रख दिया है बड़ी हस्ती के, हम उनका नाम नहीं ले सकते, उनके साथ जोड़ के रखे हुआ है उसका ननवा, बहुत बड़ा हस्ती के साथ में। उसका ननवा पीर था ना। बड़ा कौन है? बड़ा लड़का, बड़े लड़के का नाम क्या है? ये दोगला है। और वो छोटा है? हाँ, वो तो लड़का है हमारा। इससे क्या दुश्मनी है? पैसा नहीं देता था नहीं। तो ये सब करना, ये सब टोना जादू कहाँ सीखा? सीख रहे कहूं से? कहाँ पे सीखा? कौन सिखाया? कोई सिखाया? कितने लोग अब तक में मारा? ज्यादा के नहीं, 2 ठोके मारे। किसको किसको? किसको किसको? एक को खुद अपना बेटा के। अपने बेटे को? हाँ। कितना बड़ा था वो? ज्यादा नहीं, 9 दिन का था। 9 दिन का था। हाँ। सबसे छोटा था या बीच का था वो? ये दोगलावा के पीठ पर के रहला था, जल्दी चल रहा था, वही खा गए लिया। ये दोगलावा के पीठ पर के रहला था, उसी की बलि दे के सीख लिया। पूजा किसकी किया? उससे पहले हम सीखे हुए थे। पूजा किसकी किए थे? काली माई के। किसकी बलि दी थी? किसकी बलि दी थी? जलाल को। वो कौन है जलाल? जलाल कौन है? दाऊद नगर में था। कौन लगता है वो? नहीं, मेरा बेटा है, नहीं भतीजा है, कहीं का आया हुआ था। उसी की बलि दे दिया? हाँ, वो हमारा बाप के साथ रहता था। कैसे मारा उसको? क्या बीमारी दिया? बीमारी नहीं दी है उसको। तब कैसे मारा? याद नहीं आ रहा। याद कर लो, बहुत जमाना हो गया। उम्र कितनी है अभी तुम्हारी? 65। 65 साल? हाँ। और भी अगल बगल में किसी को किया है? बहुत के किए हैं, उतना दूर पर पूरा पहचान है, हम ही किए हैं। पूरे मोहल्ले में सबको किए हो? सबको नहीं किए हैं, 8-10 आदमी क्या किए हैं। घर में अगल बगल में कितने लोग को किए हो? घर से सटा हुआ घर? पहला तो रजिया बहू ससुर किए हैं। और दूसरा मुमताजवा बहू के। उन लोग से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? 12 दिनों दोस्त रह लिया। लड़के का दोस्त था वही चक्कर में? हाँ, हमारा बेटा के घर के रास्ते लखा हूँ। समझ में आ रहा है? हमारा बेटा के 12 लाख चौथा लखा हूँ रजुआ। करके किस चीज में खिलाया? खिलाया नहीं है रजुआ को, खेबे ही नहीं किया है। उसका मौगी है ना, खिलाने की, है। खिलाने की कोशिश की थी? खिलाने की कोशिश की थी? बहुत बहुत कोशिश की। हाँ, लेकिन नहीं खा पाया। नहीं, रजुआ नहीं खाता है। अच्छा, उसका बीबी को खिला दिए हैं।
जिसके ऊपर आई उसके ऊपर उसको हाँ, खिला दी हो? किस चीज में करके खिलाई हो? अंडा में। टोकन में क्या लिखा है? चेक हुआ है जो सुबह? चावल। चावल में करके कौन खिलाया है? भक्ति में क्या खिलाए है? चावल से भी, चावल में भी करके खिला दियो? हाँ। अंडे में भी खिला दियो? हाँ। बहुत लोग का ये रहता है कि हम एक बार पूरा ट्रीटमेंट करा के गए हैं, फिर उसके बाद फिर कहाँ से आ गया, चेक करवाते हैं, फिर अंदर निकल जाता है, कहते हैं कि अब ये पहले चावल निकला था, अभी चना फिर से निकल गया। ये है, बता रही खुद ही कि दो तीन बार करके खिला देते हैं तो वो बारी बारी निकलता है। पांच बार खिलाए हैं इसको। पांच बार करके खिलाइए। पांच बार में निकलेगा वो अलग अलग। सप्तमी दशहरी के दिन खिलाए थे। किस चीज में करके खिलाई? पानी में करके खिलाई। पूरा पंडाल में से भर रही थी। सही बात है। बिलाते के साथ उसको असर कर गया था, इस्लाम मलमा का दौर के पहुंच गया था। लपड़ी है वो दम। बोल दिया उसको भी कैसे ऐसे किया है हमरा। तो हमको देख काली माई का पूजा करते हैं, काली माई को नाम लेते हैं, विघ्न मैया को नाम लेते हैं, इसीलिए तो इसको मौगी जो है हमसे हुज्जत करती है तो कहते विघ्न मैया चढ़ा दे हल्का, और उसको नहीं चढ़ाता है, हमको चढ़ाता है। उसको तो अच्छा साथ में है एगो, उसको दिया ना। इसके लड़के को भी मारा है तुमने? नहीं, किसी को नहीं मारा लड़के को? नहीं। और तुम्हारे साथ बेटिया के देह पर हम बहुत खराब चीज के करके इसको हम पिला दिए है। क्या चीज हम नहीं बताएंगे? हमको मूत भी पिला दिया था। किसको पिलाई थी? हमको। कौन? दुनोई का बेटिया। हंसते हंसते में खेलते खेलते में मजाक बना करके हमको समझ में नहीं आया। किसकी? आपकी बेटी? पोती हम। अच्छा, तुम्हारी पोती। और कुछ पूछना है? एक दुकान ना हमारी छीन लिया था। बहुत कमाई तो रह लिया पहले, बहुत कमाई तो रह लिया। पूछिए, बता तो रही है सब। और अभी किसी को मारा है? महीने छह महीने के अंदर। लेकिन मारेंगे। किसको? इसका बेटवा के, इसका मादावा के, चाहे इसका आंख लेके अपने आंख में लगाएंगे। कौन सा बेटा? एक को देख रहा है, ये है एक ही बहुत दुलार खड़ा लेकर माऊगी। हम मत दुलार हुआ, हम मरा नहीं हुआ, हम मर सोने वाला बहुत दुलार प्यार का। साथ में रहते इनके या अलग रहते हैं? अलग का अलग था हमरा के। अलग रहते हैं? हाँ। लड़का के साथ हमने इतना लिया। तुम्हारे साथ कोई और भी ये करने वाला? हाँ, पांच आदमी। पांच आदमी मिल के किए हो? हाँ। वो कहाँ के हैं? अगल बगल के हैं, दूर के हैं? एक वो दूर के है, सब अगल बगल के है। क्या नाम है उनका? अगल बगल वालों का नाम क्या है? एक वो के नाम है जैतून। और एक वो का नाम है मसीहन। और दोनों के नाम ना बताओ। काहे नहीं बताइयो? तुरे खास है क्या? हो हाँ। तो नाम बताने में क्या दिक्कत है? हमें याद ना है। याद तो है, खास है, याद भी होगा, खास है। भुला गया ली, मर गया कहीं दोनों। मर गए? हाँ। तो भी वहाँ आपने पास रखे उनको? ना। कहाँ गए वो सब मर के? कब्बा में मर जाने से साथ में रहा ले। अपनी मौत से मरे हैं सब? हाँ, अपनी मौत से मरा है सब। और कुछ बात करनी है? कहाँ है? हम कहाँ लेकर लियो? हमने तो पूछा ही था भाई कहाँ है, हमें खा लिया हुआ का? गलत बात। कौन किसके भाई हैं? इनके भाई को भी तुमने मारा है? ना, उनका भाई के हम अंगूठी तक नच कर दिए। उनका भाई के तो हम सकल तक भी याद नहीं है। क्यों नहीं मारी? मान चाहे ना मान। कैसे मरे हैं वो? मरा नहीं है, वो जिंदा है। कहाँ है वो? वो एक आधे पर की गरबा बताता हूँ। क्या बोले? दूसरा आदमी बताएगा। और चीज है इनके संग में, वो बताते हैं। अच्छा, इससे अलग हो चुका है। एक आधे पर आ गया हो, एक आधे पर हो, वही जाकर लाके लिया था। वो हम तो ले देख,
आज से तेरा तंत्र मन सब खत्म। अब ना तू किसी को कर सकती है, ना कभी सीख सकती है, ना कभी कर सकती है। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। हमको उल्टी गिनती गिनने वाला कितना खत्म हो चुका है। तुमको भी चाहिए कुछ? हम रापो है रापो, हम रापो है रापो, कितना प्यास हमारे अपने नाम लेकर के बुलाते थे। कितने फोन करके पूछते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है। आज क्या है? ईद है। ईद है ना, कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे। कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ। जा भाई, और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला, तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ, पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूं तो मैं उनको बोलता हूं, भैया आपके पास दो ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूं नहीं होगा, अब नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूं नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं। अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है, अब नहीं होगा। यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का, बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे। लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग तो जल्दी फोन उड़ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है। हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहां तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो। भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है, मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे। सही है ना, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे। अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए।
जो भी आए डेट बाय डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग भुगते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार, रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज, जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार, टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपये और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपये एडवांस में जमा करना होगा, और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा, इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।